ये डायग्राम को साथ साथ बनाते जाइए। यहां पर रखेंगे हम सोर्स ऑफ साउंड और यहां पर डिटेक्टर डी। इट इज ट्यूब नंबर वन और इट इज ट्यूब नंबर टू। ट्यूब नंबर वन और ट्यूब नंबर टू, इसमें से टू को हम आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। फर्स्ट अगर सोर्स ऑफ साउंड से यहां से फर्स्ट वेव आएगी इट इज वेव वन। इट इज वेव टू। फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव, इन दोनों वेव्स के बीच का पार्ट डिफरेंस इस ट्यूब की लंबाई को आगे पीछे करके हम चेंज कर सकते हैं। अगर इस ट्यूब को आप एक्स शिफ्ट करते हो तो एक्स यहां पर और एक्स नीचे, 2x का पाथ डिफरेंस, नया जो पाथ डिफरेंस होगा वो 2x का बन जाएगा। तो डायग्राम बना लीजिए, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। इसमें लिखना स्टार्ट करें, फर्स्ट पहला क्विंक्स ट्यूब। लिखना स्टार्ट करें इसमें, द क्विंक्स ट्यूब हैव टू यू शेप हॉलो ट्यूब्स। यू शेप हॉलो ट्यूब्स। वन रिमेन स्टेशनरी एंड अदर कैन मूव to adjust the path difference, to adjust the path difference between two waves coming from source, between two waves coming from source at the detector, at the detector. Second point likhenge, when second tube shift by x distance now the new path difference became 2x.
न्यू पार्ट डिफरेंस बिकेम 2x। अब ध्यान से समझे, अगर यहां पर स्टार्टिंग में आपको मैक्सिमा सुनाई दे रहा था, आपने x शिफ्ट किया, आपको मिनिमा सुनाई देने लगा, तो इसका मतलब फॉर मैक्सिमा टू मिनिमा और फॉर मिनिमा टू मैक्सिमा, चाहे मैक्सिमा से मिनिमा सुनाई दे रहा हो या मिनिमा से मैक्सिमा, जो न्यू पार्ट डिफरेंस है 2x, ये लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा। और इससे हम साउंड वेव की वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू 4x। तो ये होगा सक्सेसिव मैक्सिमा से मिनिमा जाने के लिए, सक्सेसिव मिनिमा से मैक्सिमा जाने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, टू शिफ्ट फ्रॉम सक्सेसिव मैक्सिमा टू मिनिमा, टू शिफ्ट फ्रॉम सक्सेसिव मैक्सिमा टू मिनिमा और मिनिमा टू मैक्सिमा, टू एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2। और इससे हम लैम्डा इक्वल्स टू 4x बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ये सिंपल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम एक वेव और दूसरी वेव को लेकर आते हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उनका इंटरफेरेंस होता है। अब इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव, नहीं, दो मिनिमा या दो मैक्सिमा के लिए जो शिफ्टिंग होती है उसको मेजर करके हम चाहें तो वेवलेंथ और साउंड की स्पीड, अगर वेवलेंथ पता है